Hello friends, welcome to Jaswal Creation by Naren. Today I am with you with the explanation of the poem My Mother at 66. This poem has also been narrated earlier and the video of the same poem is available on my YouTube channel. You can go for that as well. Today we will be explaining the content of the poem into Hindi. Before explanation, let us go to the reading section of the poem and the different words or the words which are somewhat difficult to student will be displayed here. And let us go to the poem first. You can watch the poem right here as well. My mother at 66. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors, open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked at young trees sprinting, the merry children spilling out of their house, but after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, way pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. इस पोयम में बेसिकली ह्यूमन रिलेशन को बड़े अच्छे से शो किया गया है कमला दास द्वारा. कमला दास के विषय में मैंने पहले ही पिछले वीडियो में आपको एलाबोरेट करके बड़े अच्छे से बताया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो के लिंक में आपको शेयर कर दूंगा, तो काइंडली उसे जरूर देखें. आज हम इसके एलाबोरेशन पे, इसके एक्सप्लेनेशन पे बात करेंगे. लेखिका या पोइट्रेस अपने पेरेंटल होम, अपने मायके आई हैं और वो वहां से वापस अपने घर जा रही हैं और शी इज गोइंग टू एयरपोर्ट दिस मॉर्निंग. और आज सुबह हर मदर इज एकम्पनिंग हर टू एयरपोर्ट. उसकी माँ भी उसके साथ में उनको कंपनी देने के लिए कमला दास को साथ में जा रही है. तो ये पोयम उसी संदर्भ में लिखी. द पोइट्रेस सेज कि जब वो अपने घर से कोचिन एयरपोर्ट के लिए निकलती हैं तो उनकी माँ उनके साथ कार में कंपनी देने के लिए साथ चलती है. और थोड़ी ही देर में लेखिका नोटिस करती हैं कि उनकी माँ जो उनके बाजू में बगल में बैठी हैं वो अचानक से सो गई, उन्हें नींद आ गई है और नींद में उनका मुंह खुला सा रह गया. और अचानक से लेखिका के मन में ऐसे विचार आता है कि उसकी माँ का चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया है. ऐसा सफेद, ऐसा निर्जीव जैसे मानो उसमें जान ही ना हो, वो बेजान या मृत शरीर का जैसे उनका चेहरा हो गया है. और एकदम से लेखिका के मन में वो दुख, वो दर्द जाग उठता है कि उनकी माँ उनसे अलग हो जाएगी. She will die someday. वो बड़ी जल्दी हो सकता है कि उनका साथ छोड़ दे क्योंकि वो बुजुर्ग हो गई है, बूढ़ी हो गई है. किंतु एकदम से वो इन विचारों को दूर करती हैं और बाहर की तरफ देखने लगती हैं. वो नोटिस करती हैं कि पेड़ दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं. आपने नोटिस किया होगा जब हम गाड़ियों में निकलते हैं, जाते हैं, तो चल तो गाड़ी रही है लेकिन बाहर वाले ऑब्जेक्ट हमारी तरफ दौड़ते हुए नजर आते हैं. एग्जैक्टली उसी तरह से लेखिका को ट्रीज जो हैं वो अपनी तरफ आते हुए नजर आते हैं. और उसके बाद वो देखती हैं कि बच्चे अपने घरों से बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं. ये एग्जैक्टली बिल्कुल विरोधाभास वाली स्थिति को यहाँ पे पैदा करता है. थोड़ी देर पहले तक लेखिका के मन में अपनी माँ के खोने का गम था, लेकिन जो बच्चों का बाहर निकलना है, ट्रीज का स्प्रिंट करना है, वो एंथुजियाज्म को
वो जोश को वो नए ब्लड को शो करता है, जिसमें बहुत सी एनर्जी है, बहुत सा जोश है। ये चीज यहाँ पे दिखाई गई है कि लेखिका का माइंड जो है वो अपनी माँ की तरफ से, उनकी ओल्ड एज की तरफ से यूथ की तरफ डाइवर्ट होता है। थोड़ी देर में लेखिका और उनकी माँ पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट, और सिक्योरिटी चेक के बाद में, जैसे आपको सभी को पता है कि वहां के बाद पैसेंजर को ही अंदर जाने दिया जाता है और अटेंडेंट जो है वो बाहर रह जाते हैं। तो सिक्योरिटी चेक के बाद में लेखिका अंदर एयरपोर्ट की तरफ चली जाती है और उनकी माँ मदर जो है वो वेट करती है उनके जाने का। और लेखिका की अचानक वापस वो नजर अपनी माँ की तरफ पड़ती है और फिर से ऐसा आभास लेखिका को होता है जैसे उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई है। उनको लेट विंटर मून से कंपेयर किया गया है। जब विंटर्स में मून निकलता है तो उसकी एनर्जी जो है वो काफी कम होती है, वो इतना ब्राइट, इतना चमकीला नहीं होता जितना समर्स का रहता है। और लेट विंटर्स यहाँ पे जिंदगी के लेटर फेज या ओल्ड एज को शो करता है। और फिर से लेखिका के मन में अपनी माँ से जुदा होने की जो बचपन में कभी कभी बातें याद आ जाती थी, वही दर्द लेखिका के मन में जाग जाता है। लेकिन लेखिका अपने माँ को अपने उस दुख को, उस तकलीफ को नहीं बताती, सिर्फ उसे कहती है कि सी यू अम्मा, माँ आपसे फिर मिलती हूँ और मैं मुस्कुराने के सिवा कुछ नहीं कर पाती। और जाते जाते लेखिका सिर्फ मुस्कुरा रही है और मुस्कुरा रही है। सो ये एक्सप्लेनेशन है इस पोएम का कि लेखिका को पता है कि नेक्स्ट टाइम जब वो आएगी तो पता नहीं उनकी माँ उनको देखने के लिए या वो उनकी माँ को देखने के लिए जिंदा रहेंगी या नहीं रहेंगी। ओल्ड एज और बॉन्डेज ऑफ डॉटर एंड मदर इस पोएम में बड़े अच्छे से दिखाया गया है। सेकेंडली वो थीम ऑफ सेपरेशन इस पोएम को बड़े अच्छे से हाईलाइट करता है कि अपनी माँ से फ्यूचर में हमेशा के लिए जुदा हो जाना, ये सेंट्रल थीम है इस पोएम का। कुछ इज ऑल फॉर यू फ्रॉम दिस साइड अबाउट द पोएम। होप कि ये पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। और आपके सहयोग और साथ के लिए धन्यवाद।